ठंड हो या गर्मी, बारिश हो या सूखा, सभी कुदरत के रंग हैं। कुदरत के साथ चलना इंसान की फितरत होनी चाहिए। इसी तरह ठंड का कहर जारी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी के बाद अब सर्दी ने अपना प्रकोप पंजाब में भी दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पंजाब के अमृतसर का तापमान कम होने के कारण आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कड़ाके की ठंड के कारण अमृतसर में एक आदमी की मृत्यु हो गई। वहीं अमृतसर पुलिस के अधिकारी एएसपी नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, उनको एक लाश मिली है जो किसी भिखारी की लगती है और मौत का कारण सर्दी बताया जा रहा है। फिलहाल उसके लिए किसी भी रिश्तेदार का आता पता नहीं चला है। पुलिस ने इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर 72 घंटों के लिए शव गृह में रखा है। जी डेड बॉडी मिली है ना जी, यह शादी शाह रोड नेड़े दाणा मंडी भगतों वाला थाना गेट की मैच पैंती है। इस बारे सानू सलाह मिली सी, मैं ते इंस्पैक्टर सुखजिंदर सिंह पल्ला एस एच ओ थाना गेट की मैं असं इस मौके पर पहुंचे हैं। ये डेड बॉडी उम्र 65-70 साल है, तो भिखारी टाइप इन्हों बहुत ज़्यादा ठंड के नाल इन्हों की कितने डैथ हो गई है। यह असी 72 घंटे मोर्चे के रखा, तो इन बारे आसे पास तो पता करेंगे, फोटो वगैरह पब्लिश कर रहे हैं, अखबारों दे रहे हैं और आस पास लोगों का भी पता कर रहे हैं कि इनका कुछ वेयर बोर्ड पता लग जाए कितने दिन इन्होंने बारे कितों देने। फिलहाल इन्होंने बारे कोई सानू जानकारी नहीं मिली भी कितों बिलोंग करते कितों देने। पोस्टमार्टम करने बाद फिर जी अं संस्कार करावे, अच्छे 72 घंटे मोर्चे से रखा, अखबार के भी खबर दे रहे हैं ताकि इन्होंने बारे कुछ ट्रेस हो सके भी कितों के रहने वाले। बुलंद टीवी के लिए अमृतसर से हरजीत गरेवाल की रिपोर्ट।